नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे विशेष टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिसका नाम है डिप्रेशन, एन्जाइटी, ओवर थिंकिंग। दोस्तों, ये जो सभी परेशानी है, ये हमारे माइंड से रिलेटेड परेशानी है। और आजकल की जो पीढ़ी है और आजकल का जो युग है, 99% लोगों को डिप्रेशन है। किसी ना किसी बात को लेकर वह स्ट्रेस में, चाहे मैरिज लाइफ से रिलेटेड स्ट्रेस हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे पेरेंट्स लाइफ हो, लेकिन सब आजकल की ज़िंदगी में सभी को किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस लगा ही रहता है दोस्तों। जैसा कि मैंने डिप्रेशन के ऊपर पहले भी 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मैंने उसमें एक उपाय बताया था दोस्तों। तो मैंने जिन जिन को वो रेमेडीज़ बताई हैं, उन सभी लोगों का मैंने 21 डेज़ बाद मैंने फीडबैक लिया, तो सभी लोगों के मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। सभी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि इस रेमेडीज़ से हमें फ़र्क है। तो दोस्तों, वो रेमेडीज़ मैं आज आपको एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप सभी वो करें। अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी नकारात्मक है, आपको एन्जाइटी है, आपको ओवरथिंकिंग है, किसी या आपको बुरे सपने आते हैं, बुरे सपने के लिए भी है साथ में, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं उनको बुरे सपने आते हैं, बुरे सपने आने की वजह से वो रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो चाहे वह डिप्रेशन हो, चाहे वह एन्जाइटी हो, चाहे ओवरथिंकिंग हो, चाहे ज़्यादा नेगेटिव होने की समस्या हो, कोई भी किसी भी तरीके की माइंड से रिलेटेड समस्या हो दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना, मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ दोस्तों। आपको कांच के बर्तन में, आप कांच का कुछ भी ले सकते हैं, आप कांच का गिलास ले सकते हैं, कांच का कोई मर्तबान ले सकते हैं, लेकिन वो होना स्पेसिफिकली कांच का ही चाहिए, होना चाहिए। आप कांच के बर्तन को सिंपल उसमें पानी भर के रखिए रात को, और अपने सिरहाने यानी जहाँ आप सोते हो अपने सर के साइड पर उसको बर्तन को आप रखिए। और सुबह सुबह जब आप उठें, सबसे पहले सुबह सुबह उठते ही आपको क्या काम करना है, वो जो कांच का बर्तन है जिसमें आपने पानी भर के रखा है, वो आपको फ्लश करना है, यानी वो आपको सिंक में फेंक देना है। इससे क्या होगा, हमारे जो माइंड की जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो उस पानी के माध्यम से चली जाएगी। और ये जो रेमेडीज़ है वो एक साइंटिफिकली प्रूफ है, क्योंकि पानी जो है वो हमारी बात सुनता है, पानी हमारी जो शक्तियाँ हैं, चाहे हम कुछ पॉजिटिव बोले, चाहे हम नेगेटिव बोले, तो पानी में इतनी ताकत होती है कि पानी उन सब चीज़ों को एब्जॉर्व करता है। और जब हम रात को सोते हैं, हमारी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी पानी के माध्यम से एब्जॉर्व हो जाती है। और धीरे धीरे करके आप 21 डेज़ करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपका डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो रहा है, आपका जो स्ट्रेस है धीरे धीरे वो रिलीज़ होना शुरू हो रहा है, आपका मन बहुत ज़्यादा शांत हो रहा है। मैं दोस्तों, आप यकीन मानिए, मैंने जिन जिनको ये रेमेडीज़ बताई है, उन सभी के मेरे पास मैसेज आए हैं कि उनको इस रेमेडीज़ से फ़र्क पड़ा है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताऊँगी, एक चीज़ और ऐड करूँगी। आप सुबह सुबह क्या करें, आप चांदी का कोई भी छोटा सा आप चाहे तो आप खरीद लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं आता, चांदी का चाहे तो आप लोटा खरीद लीजिए, चांदी का चाहे तो आप ग्लास खरीद लीजिए, लेकिन जो चांदी है वह प्योर होनी चाहिए। उसमें आप रात को पानी भर के रख दीजिए, जहाँ पूजा का मंदिर है आप वहाँ भी रख सकते हैं, उसको ढक के रख दीजिए और सुबह सुबह वो पी लीजिए। क्योंकि चांदी क्या होती है, चांदी ठंडी होती है, चांदी शीतलता का प्रतीक है। जब आप पियोगे पानी, कुछ ही दिनों में आपको अपने दिमाग के अंदर ठंडक महसूस होगी। जिनको हर टाइम गुस्सा आता है, जिनका बीपी, जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हाई रहता है, उन सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। और जिनका मन हमेशा चैटर बॉक्स की तरह चैटर चैटर करता रहता है, उन सभी के लिए भी ये रामबाण है दोस्तों। तो आप ये करना ना भूलें, साथ में वो पानी वाला प्रयोग रात को सिरहाने आपको रखना है, और साथ में दूसरा क्या करना है, आपको चांदी के किसी भी बर्तन में आपको पानी भर के रखना है। आपको मंदिर में आप रख सकते हो, किसी भी साफ़ सुथरी जगह आप रख सकते हो। सुबह सुबह उठ के वो पानी फ्लश करने के बाद आपको वो ग्लास में पानी पीना है, लेकिन पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि वो शरीर में जाके लगे, ऐसा नहीं कि आप इतना सा ले ले, है ना। तो पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि वो शरीर में जाके लगे आपका, जैसे इतना हो गया, आधा ग्लास पानी हो गया, इतना पानी आपको लेना है और सुबह सुबह वो पीना है। क्योंकि रात भर वो चांदी के बर्तन में रहेगा तो चांदी के जो गुण है उस पानी के अंदर आ जाएंगे, और जब आप सुबह सुबह पियोगे तो उसकी जो ताजगी है, उसकी जो शीतलता है चंद्रमा की, वो आपके मन में पड़ेगी, और इससे आपका डिप्रेशन में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये दो रेमेडीज़ दोस्तों करने ना भूलिए, बिल्कुल फ्री की रेमेडीज़ है, बिल्कुल मुफ्त की है, आपको कोई भी इसमें पैसा नहीं खर्च करना। ये चाहे तो सब कर सकते हैं, जिनको डिप्रेशन नहीं है वो भी ये कर सकते हैं, उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आप करिए, फ्री की चीज़ है, फ्री का उपाय है, और आप अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए दोस्तों। जीवन का आनंद आप उठाइए इस रेमेडीज़ को करके आप, और आप खुश रहें। और मुझे कमेंट में बताइए आपको इसके क्या क्या दोस्तों फ़ायदे मिले। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।